वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, वेदर बहुत अच्छा है। अक्टूबर में जो है ना जर्मनी में ऐसा वेदर बहुत कम मतलब आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली ये रेनी सीज़न है और ऑटम शुरू हो जाता है, तो आपको इसी तरह का मौसम मिलेगा कि बारिश हो रही होती है, लेकिन सनी डे अगर आपको मिल जाए तो मतलब नेमत है। और तो इसी वजह से आज मैंने फादी के साथ मिलकर प्लान किया कि हम लोग जाते हैं पेट शॉप, और हमारा एक ये पेंडिंग काम बड़े अरसे से रह गया था कि मतलब हम जॉब में बिज़ी थे, फिर एग्ज़ाम्स आ गए हमारे, उसमें बिज़ी थे, तो हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं आज पेट शॉप, इन्जॉय करते हैं। तो हम एयरपोर्ट आए हैं, बेसिकली इल्मनाव से 1 घंटे का ट्रेन का सफ़र है, और वहाँ पे एक बड़ी काफ़ी पेट शॉप है, तो वहाँ का टूर कराना है हम लोगों को। और एयरपोर्ट में थोड़ा सा आपको जगहें दिखाएंगे कि जहाँ पे आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, तो इसलिए आप आगे व्लॉग में देखते रहें। हाँ जी, आज फिर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारा काफ़ी देर से एक पेंडिंग प्लान था, हम लोगों ने यहाँ पे एक पेट शॉप विज़िट करनी थी। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ पैरट्स वगैरह देखें, क्योंकि मुझे थोड़ा शौक है पैरट्स वगैरह का और पेट शॉप का। इंशाल्लाह देखते हैं इसको वहाँ पे जाके, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ के यहाँ पे कैसे होते हैं पेट शॉप। तो ये प्लान हम लोगों ने काफ़ी अरसे से कर रखा था, तो मसला ये था कि जो है ना हमारे बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे, फिर जॉब वगैरह चल रही थी, तो हमारा प्लान बन ही नहीं रहा था जाने का एयरपोर्ट। तो आज फाद ने बोला कि जो है ना चलते हैं, आज मौसम भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, क्योंकि जर्मनी में कभी कभार इस मंथ के अंदर इस तरह का वेदर होता है, वरना तो बारिश ही होती है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आज हमने इस वजह से प्लान किया कि चलते हैं आज बाहर और थोड़ा सा देखते हैं पेट शॉप की तरफ जाते हैं कि किस तरह की है, क्या है, क्या नहीं है। इसको पैरट्स का शौक है तो हम लोग वो भी देखेंगे, और बाकी कुछ और चीज़ें जहाँ वो मतलब जो भी पैट्स हैं वहाँ आपको एयरपोर्ट सिटी भी दिखाएंगे कि किस तरह की है, आगे हाईलाइट्स भी मिलेंगी। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग, अभी अभी स्टेशन से निकले, अब स्टेशन से निकल के पेट शॉप की तरफ जा रहे हैं। फादी, मैं तुमसे पूछ रहा था कि एयरपोर्ट के अंदर मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बंदा जा सके या घूमने फिरने के लिए जा सके, तुम मतलब कहाँ पे, अगर तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तुमने विजिट करी हो जगह। अभी तो हमें एक दफ़ा हम यहाँ पे एक स्नूकर क्लब मिला था हमें काफ़ी रिसर्च के बाद, सही तो यहाँ पे मिलते हैं, था छोटे पूल टेबल्स होते थे अक्सर स्पीड हाल है इसके अंदर, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हम गए थे एयरपोर्ट के अंदर। वो जगह है कुछ डोमप्लाट से है यहाँ पे जगह, वहाँ पे कुछ फेस्टिवल अक्टूबर फेस्टिवल भी चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे बंदा जा सकता है। हाँ, लास्ट ईयर भी वहाँ पे पूरा एक लगा था, पूरा एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे, फेस्टिवल लगा था और उसमें झूले वगैरह सब, स्पिन व्हील और ये सब था, और कुछ साइट सींग्स भी हैं यहाँ पे, चर्च है इनका बहुत मशहूर, सही और एयरपोर्ट का एक पार्क भी है, जू पार्क और इसके साथ साथ एक दूसरा पार्क भी है, वो एक कासल सा है, उसका अच्छा। मुझे नाम मेरे जहन में नहीं अभी आ रहा, लेकिन वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह की जगह हैं यहाँ, थोड़ा बड़ा सिटी है हमारे, काफ़ी जगह है यहाँ पे, तो मतलब अगर आप लोगों को घूमना हो तो आप लोग जा सकते हैं डोमप्लाट वगैरह, और अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो मतलब इंडोर गेम्स चाहिए तो स्नूकर क्लब्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। स्पिल हाले बेसिकली, स्पिल हाले बोलते हैं, तो मतलब जर्मन में तो स्पिल हाले बोलते हैं, तो आपको वो जगह मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप थोड़ा एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। तो वही पहुंच गए पेट शॉप में, पहुंच तो गए, अब देखते हैं कौन कौन सा एनिमल, काफ़ी चीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है। भाई मासूम भाई कैसे हैं, कुछ खा लें, भूख लग रही है, तो कुछ नहीं खाना आपने, चलो चलो शाबाश, इन्जॉय योर मील। सारे इधर ना, और डिफरेंट वैराइटीज़ और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हैं,
और इन्हीं की फीड्स वगैरह भी सारी इधर ही रखी हुई हैं इन लोगों ने। तो ये फिशेस का पूरा एरिया फिश का है। जाने का प्लान है, पैरट्स देखें किस तरह के, जो हमारा मेन मकसद है इधर आने का पैरट्स वो देख लें। तो भाई मेन मकसद हो गया है पूरा, देख सकते हैं आप पैरट्स हम लोगों को मिल गए और फादी भी साथ है, फादी का बड़ा दिल लगा हुआ है पैरट्स के साथ। लोग यहाँ पे कुछ छोटे फैंसी तोते ज़्यादा है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन है, ये कॉकटेल है कुछ, अभी दूसरी साइड पर जाके देख रहे हैं। ये वाले कौन से स्पीशीज हैं जो तुम ये मकाओ? ये सामने तो मकाओ है। अच्छा मकाओ सामने दिखाओ, ये बड़ी वाली तो मकाओ। ये है कुछ फिंचेस। ये फिंचेस हैं? हाँ ये फिंचेस हैं। क्या माशाल्लाह कलर है इनका। ये लवबर्ड है, मेरे लवबर्ड, ये भी बहुत प्यारे होते हैं। ये हैंड टेम भी हो जाते हैं, छोटे छोटे हाथ भी घूमते हैं। ये डिफरेंट जो है ना फीड्स हैं पैरेट्स की। तो भाई फादी हम लोगों ने विज़िट तो कर लिया है, अब क्या आपका रिव्यू है इस पेट शॉप के बारे में? हाँ वैरायटी बस थोड़ी कम थी, लेकिन जानवरों के हवाले से तकरीबन हर चीज़ है इनके पास, उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी न्यूरिशमेंट के लिए सारा कुछ है यहाँ पर। यानी कि जो भी पेट शॉप लवर पेट लवर्स हैं वो यहाँ पर आके तकरीबन हर चीज़ एक्सेसिबल है उन्हें। और पैरट्स की मेरे ख्याल से हो सकता है इनकी और भी शॉप हो इनकी जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैरायटी पड़ी हो, लेकिन इनके पास है काफ़ी चीज़ें हैं। सही है। पेट शॉप से तो होकर आ गए तकरीबन, और सिटी टूर भी कर लिया एक शॉर्ट सा, और बाकी अब शाम का टाइम हो गया तो वापसी की तैयारी करेंगे, ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे और ट्रेन लेके वापसी एलमिनाओ। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा व्लॉग को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे लोगों से मुलाकात करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इनका कह रहे हो ना तुम? ये वाले सही बड़े वाले, यहाँ पे भी पैसे काफ़ी महंगे मिलते हैं। ये तुम दौड़ के भागे।